जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तू PK301 फ्लाइट के जरिए इस्लामाबाद तू कराची पुजाने वाले कंसाइनमेंट को महकमा वाइल्ड लाइफ सैन ने इतला मिलन से चेक किया, जिन्हें विचों चार अफ्रीकी शेर बरामद किए, जिन्हों को जब्त करते कराची चिड़ियाघर में आरजी रिहायश किए मुंतकिल कर दिया गया। एक कंसाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत जोहान्सबर्ग तू एक निजी कंपनी ने दरामद किए। वाइल्ड लाइफ की छापा मारने वाली टीम की सरबराह डॉक्टर फहमीदा का आखन है जो एक कंसाइनमेंट गैर कानूनी है तो निजी कंपनी वालों इन्हों को दरामद करने का कोई भी परमिट नहीं मिलिया, ना ही वाइल्ड लाइफ सिंध कोई लैटर मौसूल था, जिन्हें बाद उन्होंने शेरों को केस प्रॉपर्टी के तौर पर कराची जू में रखे। ना उनके पास कोई ऐसा इजाजतनामा था जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से इशू किया हुआ हो या NCCW से कोई NOC हो या एक साइटिस परमिट होता है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जारी किया जाता है, वो भी उनके पास नहीं था। ये जहाँ से आ रहा है उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे वहाँ से निकला, अव्वल तो उस मुल्क की जिम्मेदारी है वहाँ से जहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। और ये कितनी 3-4 फ्लाइट्स इन्होंने चेंज की होंगी और फिर लेकर आए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ इस कराची एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्यों नहीं पकड़ा। दूसरे पास निजी कंपनी के नुमाइंदे का आखन है जो सारे को परमिट समेत सारे दस्तावेजात मुकम्मल हैं, जेकर ये मुकम्मल ना होंगे तो ये शेर कराची तक ना पहुंचते। फ्रैंकफर्ट वाया इस्लामाबाद जो है वो कराची आई है और ये हमने प्रॉपर इसके जो है वो हमारे पास इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं और ये एनिमल्स जो है वो जोहान्सबर्ग से मूव किए हुए हैं, शिप हुए हैं और ये अंडर क्वारंटीन यूरोप होते हुए और ये पाकिस्तान आए हैं। तो आप इनकी लीगलिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन से रीशिप हुए हैं। यूरोपीय यूनियन से जो है आप किसी शेर का नाखून भी अपने साथ जो है वो कैरी नहीं कर सकते, आप अरेस्ट हो जाएंगे। ये चार इतने बड़े जो हैं वो शेर जो हैं उनके लिए सुबह से जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे सिंध वाइल्ड लाइफ और NCCW ने एक प्रोपेगेंडा मचाया हुआ है कि जी इलीगल इम्पोर्ट हो गए हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये भाई गैर कानूनी तौर पर मंगा लिए गए हैं तो 2008 में आपने हमें NOC किस खुशी में दी जो है। डायरेक्टर कराची शहरी हुकूमत ब्राय पार्क एंड जू का आखन है जो ए शेर हाली केस प्रॉपर्टी है ते असा इन्हों को हाउसिंग फैसिलिटी दीती है पर इन्हों को खुराक एवं वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी है। हमने इनको सिर्फ हाउसिंग फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की है, डाइट और दूसरे मामला जो है वो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जिम्मे है। अफ्रीकन लाइन्स ये फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे कराची जो लाए गए हैं, जब से ये आए हैं तब से लोग मुस्तकिल जो है सुबह से आ रहे हैं और वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा हो रहा है। हाई कोर्ट इन केस का फैसला जड़ा भी करे लेकिन कराची के चिड़ियाघर चार अफ्रीकी शेरों की पहली दफा आमद होते चिड़ियाघर की रौनक दोबारा बहाल थी गई। अदिल कुरैशी, रोही TV, कराची।